अरूज पर तो हर कोई मिलाता है हाथों से हाथ। तो गाइज यार, आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इस तरीके की शायरी वाली वीडियोस कैसे क्रिएट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर आप इस तरीके की म्यूजिक वाली वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हो, किसी भी वीडियो पर लिख सकते हो अपनी कोई भी लिरिक्स, ठीक है। तो आज की स्टूडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ पर हम बात करें कि आप वीएन वीडियो एडिटर पर ये वाली वीडियोज़ कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर आपने वीएन ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ना आपने अपनी गैलरी से सबसे पहले कोई सी भी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी जैसे कि मैंने अपनी गैलरी से वाली वीडियो ऐड कर लिया, और इस टाइप की वीडियोज़ आपको कहाँ से मिलेंगी और कैसे आपने डाउनलोड करनी है अपनी गैलरी पर, तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वाली वीडियो वहाँ से जाकर वॉच कर लेनी है। और अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपने म्यूज़िक को ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऊपर की तरफ प्लस म्यूज़िक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो अभी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर म्यूज़िक पर क्लिक करना है। और अभी यहाँ पर देखिए आपको प्लस का बटन देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से ना आपने अपनी गैलरी से उस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है जिसके ऊपर आपको कोई भी म्यूज़िक लगा हुआ है फेवरेट वाला, या कोई भी जो ऐसी पोइट्री है जिस पर जो है पोइट्री चल रही है, ठीक है। तो आप उसकी लिरिक्स लिखना चाहते हो अपने इस वीडियो पर, तो आपने उस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो उस वीडियो का ऑडियो होगा ना वो यहाँ पर आपके पास आ जाता है। तो अभी यहाँ पर देखिए आपने इस चूज़ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको कर देना है ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए जो उस वीडियो का म्यूज़िक होगा ना अब वो यहाँ पर आपकी इस वीडियो पर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ वो वाला म्यूज़िक या जो भी आपकी शायरी वाली वीडियो है तो उसका जो म्यूज़िक होगा ना वो यहाँ पर ऐड हो जाता है आपकी इस वीडियो पर। और अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, जो म्यूज़िक है ना आपने इस म्यूज़िक के ऊपर बीट मार्क करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इस म्यूज़िक के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो इस वीडियो का वॉल्यूम है ना यहाँ से आपने इसको ऑफ कर देना है। तो अभी यहाँ पर मैं चले जाता हूँ वॉल्यूम पर और यहाँ पर जो इस वीडियो का वॉल्यूम है यहाँ से इसको कर देता हूँ ऑफ। और अभी यहाँ पर आपने इस म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको बीट का ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपने इस बीट्स के ऊपर क्लिक करना है और अभी यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से प्ले करना है और यहाँ पर आपने सुनना है जहाँ पर भी आपकी म्यूज़िक या शायरी की फर्स्ट लाइन कंप्लीट होती है ना तो वहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए म्यूज़िक पर आपका बीट मार्क इस तरीके से ऐड हो जाता है और इसी तरीके से यहाँ तक हमारी सेकेंड लाइन कम्प्लीट होती है, तो यहाँ पर दोबारा से मैं बीट मार्क कर देता हूँ और यहाँ पर थर्ड लाइन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से आपने बीट मार्क ऐड करते जाना और अभी यहाँ पर ना हमारा थोड़ा सा म्यूज़िक और रहता है क्योंकि यहाँ पर जो हमने वीडियो ऐड की थी ना वो यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट है, तो आपने इसकी ड्यूरेशन को कैसे इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए अभी यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको स्पीड का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना और यहाँ पर जो डॉट्स है ना आपने इनको यहाँ पर इस लाइन से थोड़ा ऊपर की तरफ रखना है, तो आपने इसको यहाँ पर नीचे की तरफ कर देना और यहाँ पर देखिए जो आपकी वीडियो की ड्यूरेशन है वो यहाँ पर इस तरीके से इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो आपकी वीडियो वो यहाँ पर स्लो मोशन में प्ले होगी। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए जो आपका म्यूज़िक है वो भी यहाँ पर अब इस तरीके से कम्प्लीटली शो होगा। और उसके बाद अभी यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी से 3 बीट्स यहाँ पर ऐड कर दिए थे इस म्यूज़िक पर और यहाँ पर जो 4th बीट है वो भी यहाँ पर मैं इस तरीके से ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने बीट ऐड कर दिया, तो यहाँ तक हमारी जो है लाइन्स एंड हो जाती हैं और यहाँ पर हमने बीट मार्क ऐड कर दिया इस म्यूज़िक पर और यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट बीट है ना इसी के साथ यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट लाइन होगी हम इसको यहीं तक रखेंगे। तो अभी यहाँ पर आपने लिखना है टेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए आपको टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो अभी आपने इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर दोबारा से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर ऐड हेडिंग के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और अभी यहाँ पर ना आपको एक कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर मैं आपको उस कीबोर्ड का नेम भी बता देता हूँ, तो यहाँ से इसको हम कर लेते हैं बैक और यहाँ पर देखिए इजी उर्दू इस कीबोर्ड का नेम है और ये ऐप आपको इजीली प्ले स्टोर से मिल जाता है, तो आपने इसको वहाँ से जाकर इंस्टॉल कर लेना है। तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर इजी उर्दू कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको आपने कर लेना है अनेबल। और अभी यहाँ पर हमारे ये वाला कीबोर्ड अनेबल हो जाता है और यहाँ पर हम दोबारा से वापस आ जाते हैं अपने वीएन वीडियो एडिटर पर और यहाँ से हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो हमारा कीबोर्ड का इंटरफेस है वो यहाँ पर इस तरीके से चेंज हो जाता है और अभी यहाँ पर आपने दोबारा से इजी उर्दू जो कीबोर्ड है इसको यहाँ से अनेबल कर लेना है। इसको यहाँ से अनेबल करने के बाद यहाँ से आपने इसको रेज करना है और अब यहाँ पर आप जो भी लिखते जाओगे ना इंग्लिश में, तो जब आप उसको स्पेस देते हो तो वहाँ पर जो आपका टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर इस तरीके से उर्दू में कन्वर्ट होता जाता है। और अभी यहाँ पर देखिए जो हमारी उस म्यूज़िक की शायरी की जो फर्स्ट लाइन थी ना वो यहाँ पर बनती है, अरूज पर तो हर कोई मिलाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम इसको यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं और इसका साइज़ भी यहाँ से मैं इस तरीके से थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेता हूँ। और अभी यहाँ पर देखिए जो हमारे उर्दू का टेक्स्ट है ना वो यहाँ पर कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा, जो एक रेगुलर ख़त होता है ना उर्दू का उस ख़त में हमें यहाँ पर उर्दू नहीं देखने को मिल रही। तो अभी यहाँ पर आपने इसको किस तरीके से उसमें कन्वर्ट करना है, तो अभी यहाँ पर देखिए आपको नीचे की तरफ फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो अभी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखें
अलवी नश्तलीक रेगुलर, तो ये वाला फॉन्ट है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये यूज़ किया और यहाँ पर देखिए जो हमारा उर्दू का खाता है वो यहाँ पर इस तरीके से काफ़ी खूबसूरत हमें देखने को मिलता है। और ये वाला फॉन्ट आपको कहाँ से डाउनलोड करना और कैसे ऐड करना अपने वीएन वीडियो एडिटर पर, तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अपने वाली वीडियो वहाँ से जाकर वॉच कर लेनी है। और अभी यहाँ पर देखिए जो हमारी शायरी की फर्स्ट लाइन है ना, तो अभी यहाँ पर हमने इस पर मोशन भी ऐड करना है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए आपको मोशन का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ से आपने कर देना है इसको फेड। फेड करने के बाद यहाँ से आप इसका टाइम ड्यूरेशन भी यूज़ कर सकते हो, जितना आप यहाँ से इसका टाइम ड्यूरेशन सेट करना चाहते हो उतना आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हो। और अभी यहाँ पर देखिए जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो यहाँ पर इस तरीके से एनिमेशन होगी फेड के साथ। और इसी तरीके से अभी यहाँ पर जो आपकी म्यूजिक की सेकंड लाइन है वो यहाँ पर आपने इस तरीके से सबसे पहले सुन लेनी है। इस तरीके से लिसन करने के बाद अभी यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट लाइन है अभी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो डुप्लीकेट आपने किया था ना, यहाँ पर जो आपकी सेकंड वाली बीट है, ठीक है, आपने इसको यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट करना है क्योंकि यहाँ पर जो आपकी सेकंड लाइन है वो यहीं पर एंड होती है। और यहाँ से भी आपने इसको इस तरीके से क्रॉप कर लेना। और अभी यहाँ पर आपने चले जाना है एडिट पर। एडिट पर जाने के बाद अभी यहाँ पर जो आपकी म्यूज़िक की सेकंड लाइन बनती है जो आपने सुनी थी, तो यहाँ पर जो आपने डुप्लीकेट की थी ना लाइन फर्स्ट वाली, तो आपने इसको सबसे पहले इस तरीके से अरेज करना है। इसको यहाँ से अरेज करने के बाद अभी यहाँ पर जो आपकी सेकंड लाइन बनती है वो यहाँ पर आपने इस तरीके से टाइप कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए अरूज पर तो हर कोई मिलाता है हाथों से हाथ, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर अभी आपने क्या करना है, इसी तरीके से अब यहाँ पर आपने थर्ड वाली लाइन सुननी है और यहाँ पर जो सेकंड वाली लाइन है आपने इसके यहाँ से इस तरीके से कॉपी क्रिएट करनी है। और अभी यहाँ पर जो आपकी थर्ड वाली बीट है आपने इसको वहाँ तक लेके जाना है टेक्स्ट को और यहाँ पर इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है। और दोबारा से यहाँ पर आपने चले जाना है एडिट पर और यहाँ पर जो आपके शायरी की थर्ड लाइन बनती है तो वो यहाँ पर आपने इस तरीके से राइट कर देनी है, मुश्किलों में जो साथ चले। तो ये जो है हमारी थर्ड लाइन थी और अभी यहाँ पर हम इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आपने फोर्थ लाइन भी क्रिएट कर लेनी है। तो ये जो है हमारी लास्ट लाइन है और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा आपने इंस्टा का यूज़र नेम कैसे मेंशन करना है और कैसे आपने यहाँ पर इसके ऊपर जो है इफेक्ट लगाना है ब्लैक इफेक्ट। तो अभी यहाँ से मैं इसको इस तरीके से अरेज कर देता हूँ और यहाँ पर जो हमारी लास्ट लाइन है ना वो यहाँ पर इस तरीके से इसे याद कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी लिरिक्स कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर भी आपने इंस्टा का यूज़र नेम कैसे ऐड करना है, तो यहाँ पर दोबारा से आपने टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा से आपने ऐड ए हेडिंग के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से आपने इसको इस तरीके से अरेज करना। और यहाँ पर ना आपने अपने इंस्टा का इस तरीके से यूज़र नेम लिख देना है। तो ये जो है मेरा इंस्टा का यूज़र नेम, अगर आपके साथ कोई भी इशू क्रिएट होता है या आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे इंस्टा पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अभी यहाँ से मैं इसका साइज इस तरीके से इस्तेमाल कर लेता हूँ। और अभी यहाँ पर आपने दोबारा से चले जाना है फॉन्ट पर। तो अभी यहाँ से देखिए आप ये वाला फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये वाला फॉन्ट भी देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं इसको यूज़ करूँगा और यहाँ से देखें ये वाला फॉन्ट, ठीक है। तो ये देखें काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद अभी यहाँ से आपने इसका ड्यूरेशन भी इंक्रीज़ कर लेना, इतना यहाँ पर आपकी वीडियो की लेंथ होगी। और अभी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने इस वीडियो के ऊपर ब्लैक फ्लैश इफेक्ट कैसे ऐड करनी है। तो उससे पहले यहाँ पर देखें जो एक्स्ट्रा म्यूज़िक और जो एक्स्ट्रा जो वीडियो वो रह जाती है ना, तो भी आपने इसको इस तरीके से क्रॉप कर लेना है। इस तरीके से वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, सप्लीट करने के बाद वीडियो को जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपने इसको इस तरीके से उसको डिलीट करना है। तो अभी यहाँ पर आपने इफेक्ट कैसे लगाना है, तो यहाँ पर देखिए आपने इस प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है वीडियो वाले, और यहाँ पर आपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी गैलरी से नई वाली वीडियो उठा लेनी है, ब्लैक फ्लैश इफेक्ट वाली वीडियो, ठीक है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो अपने वाली वीडियो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेनी है। और उसके बाद अभी यहाँ पर देखिए आपने इसको यहाँ से कर देना है फिल। फिल करने के बाद अभी यहाँ पर देखिए जो इफेक्ट है इस तरीके से वर्क करता है आपकी वीडियो पर। तो अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, दोबारा से चले जाना है अपने ब्लेंडिंग पर और यहाँ से आपने इसको कर देना है स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद अभी यहाँ से आपने इसको कर देना है ओके, और यहाँ से जो इसकी ओपेसिटी है ना इसको इस तरीके से फुली रहने देनी है। और अभी यहाँ पर आपने आ जाना है ओपेसिटी पर, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से ना इसको आपने 25% तक यूज़ करना है, यानी कि इसकी जो ओपेसिटी आपने 25% यूज़ करनी है। और फाइनली गाइस यार यहाँ पर जो आपकी वीडियो एडिट हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपके साथ कोई भी इशू क्रिएट होता है तो आप मुझसे इंस्टा पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में इतना था, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड